वर्ल्ड कप 2019 ओल्ड ट्रेफर्ड का मैदान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो मैच जो कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है, वो मैच जिसके बारे में कितनी ही कहानियां गढ़ी गईं और कितनी ही बहसें हुई। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 336 रन बनाए। कुछ लोगों का मत था कि ये रन 30-35 और होने चाहिए थे और कुछ कह रहे थे कि ये काफी है। पाकिस्तान हालांकि खुश होगा क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब सचमुच इंडिया का स्कोर 360 रन से कम कहीं भी नहीं दिख रहा था। रोहित शर्मा ने शानदार सेंचुरी मारी और विराट कोहली ने भी बढ़िया स्कोर किया और जवाब में पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए उतरी और भारत के 2 प्राइम बॉलर सामने आए, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। इंडिया के पहले 4 ओवर में ही हसन चीमा ने ट्वीट करके कहा कि इंडिया ने पहले 20 मिनट में ही इतनी फुल लेंथ गेंदें फेंक दी हैं जितनी पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं फेंकी हैं। लेकिन 5वें ओवर में इंडिया के साथ वो हुआ जो कि एक बुरे सपने के समान था। भुवनेश्वर कुमार के पैर में कुछ समस्या हुई, मालूम पड़ा कि उनकी हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हुई है। वो अपने 3रे ओवर की 5वीं गेंद फेंकने के लिए जा रहे थे लेकिन नहीं फेंक सके, उन्हें वापस ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा। कप्तान विराट कोहली ने गेंद विजय शंकर की ओर फेंकी जिन्हें ओवर की बाकी 2 गेंदें फेंकनी थी। विजय शंकर वो खिलाड़ी हैं जिन पर एक वक्त पर सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर वो पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच खेल भी पाएंगे या नहीं, और एक दिन अचानक शिखर धवन को चोट लगने के बाद वो इंडिया के एकमात्र नंबर 4 की पसंद बन गए। वर्ल्ड कप में पहला मैच भी खेलने को मिला तो पाकिस्तान के खिलाफ, और जब उन्हें पहली बार हाथ में गेंद पकड़ाई गई तो उन्होंने क्या किया, इमामुल हक को LBW आउट किया। अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में वर्ल्ड कप की पहली गेंद पर विजय शंकर 1 विकेट ले चुके थे। विराट कोहली ने जिस तरीके से उन्हें गले लगाया और साथ ही उनके चेहरे पर जो भाव थे सारी कहानी कह रहे थे। विजय काफी खुश थे और शायद ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने पहली गेंद पर विकेट ले लिया है। हालांकि उनका वहां होना और उस मौके पर गेंद फेंकना भी कम ड्रामेटिक नहीं था। ये बात थी विजय शंकर की, लेकिन असली मुद्दा है भुवनेश्वर कुमार का। इंडिया के प्राइम बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह के साथ बॉलिंग ओपन करते हैं, लेकिन उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है। मालूम यह पड़ा कि पाकिस्तान के खिलाफ वो बचे हुए मैच में बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, और इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो बुरी खबर तो थी ही, लेकिन साथ ही अच्छा भी था कि उनसे मैच में बॉलिंग करवाने का फैसला नहीं लिया गया। इससे होगा ये कि वो अगले मैच के लिए तैयार रहेंगे। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के बावजूद अगर उनसे बॉलिंग करवाई जाती तो ये इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में इससे भी ज्यादा बुरी खबर ला सकता था और भुवी पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो सकते थे। अभी इतनी उम्मीद तो है कि भुवनेश्वर को आगे के मैचों में बॉलिंग करते हुए देखा जा सकता है। ये कहानी थी विजय शंकर के पहले विकेट की जो कि उन्होंने अपने वर्ल्ड कप की पहली बॉल पर लिया और जो कि पूरी तरह से ड्रामेटिक था, और साथ में भुवनेश्वर कुमार के हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने की और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बॉलिंग न कर पाने की। मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं thelallantop.com।